प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में चुनावी रैली के दौरान विपक्षी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जीएमएम सिर्फ छल और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सेवा भाव की राजनीति करती है। जेएमएम और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर आदिवासियों के लिए काम न करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि इन सरकारों ने आदिवासियों को झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया था। झारखंड में 30 नवंबर को पहले चरण के लिए 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। पहले चरण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली, लोकतंत्र को मजबूत करने की और राष्ट्र निर्माण में झारखंड के लोगों की आस्था अभूतपूर्व है। दूसरी, बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार नक्सलवाद की कमर तोड़ी है उससे यहाँ डर का माहौल कम हुआ है और विकास का माहौल बना है। तीसरी, झारखंड के लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति विश्वास की भावना है। पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ साथ झारखंड में भी बीजेपी सरकार के फायदे गिनाते हुए फिर से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली और रांची में डबल इंजन लगाने से विकास की गति तेज भी होती है और स्थायी भी होती है। झारखंड के विकास के लिए बीजेपी की वापसी जरूरी है। कांग्रेस और जेएमएम की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज उन जनजातीय क्षेत्रों में भी पानी की लाइन पहुंच रही है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने उनके हाल पर छोड़ दिया था। उन पिछड़ों और आदिवासी परिवारों को भी अपना घर मिल पा रहा है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया था। झारखंड ये भलीभांति जानता है कि कांग्रेस और जेएमएम की राजनीति छल और स्वार्थ की राजनीति है, जबकि बीजेपी कर्म और सेवा भाव से काम करती है। यानी कि पीएम मोदी की दहाड़ एक बार फिर झारखंड के खूंटा में निकली। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।